दोस्तों, ये सवाल बहुत सिंपल है। इसमें आपको एक सर्किल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो कि आपको मालूम है और आप जानते हैं क्या होती है। अगर ये मान लीजिए करंट बह रही है, एम आई राइट, रेडियस क्या दे रखा है बेटा, इसका कैपिटल आर दे रखा है, ठीक। आई है तो आप जानते हैं कि जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी इस करंट की वजह से, वो होगी सर्किल के म्यू जीरो अपॉन फोर पाई, जानते ही हैं, टू पाई आई अपॉन आर के। चूंकि यहाँ आई नहीं मालूम है, आपको क्या दिया गया कि एक जो चार्ज है वो रोटेट कर रहा है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्ज होता है वो आपका करंट बनाता है, लेकिन आपको टाइम भी नहीं दे रखा है। आपको क्या दे रखा है टाइम की जगह, उसकी आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो करंट आपने निकाल ली, आप जानते हैं करंट इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, और आप जानते हैं कि वन अपॉन टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एन के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारी करंट है वो है क्यू वन अपॉन टी की जगह एन दे रखा, लेकिन यहाँ एन भी नहीं दे रखा है। एन जो है लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है, आपको कौन सी दे रखी, ओमेगा। आप जानते हैं कि ओमेगा बराबर किसके होता है, टू पाई एन। तो आपकी करंट क्या बन गई बेटा, क्यू और एन की जगह क्या लिख सकते हैं, टू ओमेगा लिखना है तो एन की जगह आप क्या लिखेंगे, ओमेगा अपॉन टू पाई, ठीक। अब यही अननोन था, यहाँ पे आपने कन्वर्ट कर लिया अपने गिवन डेटा पे, तो B बराबर म्यू जीरो पॉइंट फोर पाई इंटू टू पाई, आई की जगह आप क्या रख सकते हैं, क्यू ओमेगा अपॉन टू पाई। इस हार को मत भूल जाइएगा, इससे इसको काट लीजिए, आपका काम बन गया। क्या बन गया, म्यू जीरो क्यू ओमेगा अपॉन फोर पाई इंटू आर, कोई है दूसरा ही है आपका। कौन सा आंसर सही हुआ, सेकंड वाला आंसर करेक्ट हुआ।